विकासखंड कार्यालय पर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जागरूक किया गया। इस पर विकासखंड की सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। बैठक में चौमुहा स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर अंशु शर्मा ने बताया कि आंगनवाड़ी घर घर जाकर सर्वे कर लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जुटाएं। यदि किसी परिवार का कोई सदस्य बुखार, जुकाम, खांसी से पीड़ित है तो उसकी जानकारी स्वास्थ्य केंद्र पर दें। प्रत्येक आंगनवाड़ी एक दिन में कम से कम 20 घरों पर जाकर लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। CDPO वंदना शर्मा ने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संचारी रोग रोकथाम अभियान को सफल बनाने को कहा। इस अवसर पर आंगनवाड़ी विमलेश सैनी, विनीता राजपूत, जयंती, विजेता, मिथिलेश आदि उपस्थित रहीं। इस संचारी रोग अभियान जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसके संबंध में रखी गई है। आंगनवाड़ी बहन जियों को सूचित किया गया है कि वह अपने स्तर से रोकथाम के लिए, बीमारी की जागरूकता के लिए और उसके लिए उपचार के लिए क्या क्या उन्हें काम करने हैं। घर घर जाकर दस्तक अभियान, 20-20 घरों का सर्वे उनको करना है। इसके अलावा दवाइयों को लेकर, अस्पताल को लेकर उनके बारे में जानकारी और साफ सफाई रोकथाम, कहीं पानी जमने ना दें, चाहे वो घर के अंदर कोई टायर हो, कूलर हो, गली में पानी हो, इस बारे में उन्हें सूचित किया गया है। वहीं आंगनवाड़ी में कुछ शिकायतें आई हैं कि जो है हम काम तो करते हैं स्वास्थ्य विभाग का, लेकिन काम करने के बाद हमें जो है पारिश्रमिक जो है पूरा नहीं दिया जाता है। कहीं अगर ऐसी कोई भी कमी है तो उसकी जांच की जाएगी और इस बारे में ऊपर जो अधीक्षक महोदय उन्हें सूचित किया जाएगा, साथ में उसे नोट भी कर लिया गया है, तो उसका जल्दी जल्द निवारण किया जाएगा।